वेलकम टू सिलेक्शन मेंटोर। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे स्वागत है। ठीक है, आज का जो आपका पेपर हुआ है उसके एनालिसिस के लिए थोड़ा सा हम वीडियो बना के लाए हैं। अंकुर सर ने भी वीडियो बनाया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीजनिंग का वीडियो बनाया था। ठीक है, इसके अलावा जीए का वीडियो भी आपको मिल गया होगा। और अब मैं थोड़ा सा कंप्यूटर का डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, मैं काफ़ी खुश हूँ कि कंप्यूटर का जो पेपर आपके पास में आया है उस कंप्यूटर के पेपर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर पाए। ठीक है, जैसा कि मैंने बच्चों के क्वेश्चंस देखे जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं, उनमें से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने कवर की हैं। ठीक है, और पेपर में भी आई हैं, हमने देखा भी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 85 प्लस करके आए हैं तो ओवरऑल यदि आप 85 प्लस करके आए हैं तो इसका मतलब आप सेफ जोन में हैं, अगर आप विद एक्यूरेसी काम करके आए हैं तो मेरे हिसाब से 85 प्लस करने वाले बच्चे सेफ जोन में हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे कम करने वाले बच्चे डेंजर जोन में आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है जो हम बताते हैं आपको, जैसे पोल्स के रिजल्ट आने के पहले एग्जिट पोल आता है ना, ये कुछ उसी तरीके से होता है। बच्चों के रिव्यूज देख करके ही हम ये इस तरीके के ओवरऑल कट ऑफ वगैरह या फिर ये सब चीज़ें बता पाते हैं कि बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या उनका रेशियो था, किस तरीके से उन्होंने किया, ये सब चीज़ें देख करके करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने 70 क्वेश्चन भी किए हैं, जिन्होंने 75 क्वेश्चन भी किए हैं ना, नो डाउट, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था, नो डाउट पेपर का स्टैंडर्ड में कोई भी कमी नहीं थी। हो सकता है इससे कम भी कट ऑफ चली जाए, नो डाउट, लेकिन एक हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि हाँ 80 to 85 या 85 प्लस के अटेम्प्ट्स, मैं अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा। अगर आप 85 प्लस करके आए हैं इसका मतलब आपने गुड अटेम्प्ट्स किए हैं, मैं गुड अटेम्प्ट्स की ओवरऑल बात कर रहा हूं। ठीक है, तो केवल यहां पर अटेम्प्ट्स की बात हो रही है, यहां मार्किंग की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कंप्यूटर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो बच्चे मुझे भेज रहे हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने किए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें से आपके लिए लाया भी हूँ, अगर आए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी आए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा था। ठीक है, सब कुछ तो हम डेफिनेटली नहीं पढ़ सकते थे 10 से 15 दिन के अंदर, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश करी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर ने आपको काफ़ी मदद करी होगी आपकी स्कोरिंग को हाई करने में। ठीक है, रीजनिंग ने भी करी होगी नो डाउट, लेकिन कंप्यूटर ने डेफिनेटली करी होगी और करंट अफेयर ने भी करी होगी, क्योंकि हमारे सर ने करंट अफेयर में भी काफ़ी मेहनत करी है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं तो कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो आपके पास में आया है लो लेवल लैंग्वेज को लेकर के, कि लो लेवल लैंग्वेज का एक क्वेश्चन था जिसमें यह पूछी गई था कि इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जब मैंने कराए थे। मैंने क्या बताया था, मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कैसी होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। केवल और केवल कौन सी, मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, यह मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आया था शॉर्टकट की का, तो आपको ध्यान हो कि आज ही सुबह अंकुर सर ने एक लिस्ट डाल दी थी आपके पास में, किस चीज के लिए, जितने भी शॉर्टकट कीज थे उन सबके लिए एक सर ने लिस्ट डाल दी थी, अगर आप उसे एक बार पढ़ जाते तो आपके शॉर्टकट का काम कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि एक आपके पास क्वेश्चन था कंट्रोल एम का क्वेश्चन आया था। कंट्रोल एम के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये जो शॉर्टकट है किसके लिए काम में आता है। तो आपको ध्यान हो, ये शॉर्टकट मैंने जरूर यहाँ पे आपको वीडियो में नहीं पढ़ाया लेकिन लिस्ट में प्रोवाइड कराया था, लेकिन इसका मतलब मैंने आपको जरूर बताया था कि पैराग्राफ इंडेंट करने के काम में आता है। ध्यान है, एक क्वेश्चन हमने किया था पैराग्राफ इंडेंट का, कि पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है, तो पैराग्राफ इंडेंट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने ये क्वेश्चन परफॉर्म किया था। ठीक है, मतलब कि पैराग्राफ को चेंज करना, पैराग्राफ इंडेंट करना, एक से दूसरे में आना, दैट इज एक गैप प्रोवाइड करना उसको। ठीक है, बीच में ब्रेक करना पैराग्राफ को, उसको क्या कहेंगे, पैराग्राफ इंडेंट। ध्यान कीजिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था, उसका शॉर्टकट की क्या है, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल एम है, जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद था जो सर ने सुबह दिया थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका आया था लैन से रिलेटेड। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मुझे कंफर्म नहीं पता कि वो क्वेश्चन था क्या, पर लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया था यहाँ पे, कि लोकल, या तो ये आया होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है या लोकल एरिया नेटवर्क किस चीज में काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया होगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली बच्चों ने मैंशन नहीं किया कि क्या क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में क्या आया था, दैट इज कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो मैंने आपको सारे सर्च इंजन क्वेश्चन के अंदर बताए थे कि कौन कौन से सर्च इंजन हमारे पास में हैं। ध्यान करो, मैंने बिंग बताया था, याहू बताया था, गूगल बताया था, ये सब सर्च इंजन हैं।
तो कौन सा नहीं है आपको बताना था, तो बेसिकली यही सब हमारे पास में है, तो जो बचा हुआ होगा दैट इज योर नॉट, दैट इज नॉट अ सर्च इंजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने काफी हद तक कवर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नॉट अ आउटपुट डिवाइस का एक क्वेश्चन आया था, जो कि उम्मीद थी कि इनपुट आउटपुट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एक से दो क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से आएंगे, तो एक क्वेश्चन उन्होंने वो पूछ ही लिया कि विच ऑफ द वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों ने शायद आंसर भेजा भी है कि ऑप्शन में शायद ऑप्शन कोई था जॉयस्टिक का, ठीक है, तो जॉयस्टिक का कोई ऑप्शन था क्योंकि जॉयस्टिक इनपुट की तरह काम करता है, इसलिए नॉट एन आउटपुट डिवाइस कौन हो गया, जॉयस्टिक हो गया। अगली अगर मैं बात करूं तो वन क्वेश्चन बाइनरी डिजिट से कोई रिलेटेड आया था, मुझे बताया नहीं है कि प्रॉपर क्या क्वेश्चन था, पर बाइनरी नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, या तो कन्वर्जन का होगा आपके पास में, या फिर ये बताया होगा कि ये बाइनरी डिजिट जो है ये किससे रिलेटेड है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पास में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल, आपको ध्यान हो OSI के अलावा हमने TCP/IP मॉडल जो था वो पोर्शन हमने किया था कि उसमें कितनी लेयर्स होती हैं इस मॉडल के अंदर, ये हमने किया था। जब हम क्वेश्चन सेट लगा रहे थे तो मैंने आपको एक प्लेस पे बताया था कि TCP/IP मॉडल के अंदर फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी, ध्यान होनी चाहिए आपको, ठीक है। और जब ऐसी चीजें आती हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी उनसे रिलेटेड पढ़ लेना चाहिए कि और क्या क्या डिटेल इनमें हो सकती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अंदर तो और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास में आए थे, तो देखिए इसमें से एक्सेल से रिलेटेड भी शायद कोई क्वेश्चन आया था कि एमएस एक्सेल और उसके बाद में कौन से फंक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा ही कुछ किसी बच्चे ने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है कि एमएस एक्सेल से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है। और इसके अलावा एक्टिव सेल की शॉर्टकट क्या होती है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम ज्यादातर कर चुके हैं। और इसके अलावा यदि मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास में, तो एक विंडोज का क्वेश्चन भी आया था कि आपके पास में इनमें से कौन सा विंडोज वर्जन नहीं है, नॉट अ विंडो वर्जन, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था उस ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास में शायद आपको XP दिया था, 8 दिया था, 10 दिया था, 7 दिया था और एक 9 दिया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप डेफिनेटली 9 ही लगा के आए होंगे कि नॉट अ विंडो वर्जन, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सेंड मेल, तो मेरे हिसाब से ये आपको गलत नहीं करना चाहिए था कि इनमें से कौन सा नॉट सेंड मेल, मतलब कौन सा मेल सेंड नहीं कर सकता और कौन कौन से कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन आया है इसके ऑप्शन भी दिए हैं, व्हाट्सएप दिया है एक, दूसरा दिया है जीमेल, तीसरा दिया है याहू और चौथा दिया है ऑरकुट। तो मेरे हिसाब से यहाँ किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, सीधे सीधे आंसर व्हाट्सएप लगा दिया होगा क्योंकि बाकी सारे जितने भी हैं ये सब मेल सेंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? गूगल, याहू, ऑरकुट, ऑरकुट पहले के टाइम में चला करता था, आज से 7-8 साल 10 साल पहले ऑरकुट बहुत प्रचलन में हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि व्हाट इज द नॉट अ पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस, इनमें से एमएस ऑफिस का पार्ट कौन नहीं है। देखो एमएस ऑफिस से जो बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे वो क्वेश्चन हमें दिख भी रहे हैं कि इनमें से एमएस ऑफिस का पार्ट कौन सा नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे पार्ट बताए थे, पावर पॉइंट बताया था, एक्सेल बताया था, और इसके अलावा मैंने आपको क्या भी बताया था, नोट पैड भी बताया था जिसमें PDF लिखा जाता है, वन नोट करके जो लिखा था, तो इनमें से आपका वन नोट भी मैंने आपको बताया था। और एक ऑप्शन इसमें शायद बच्चे ने मेरे को यहाँ दिखा रखा है ऑरकुट, तो एक ऑरकुट ही ऐसा है जो कि एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है। तो यहां तक मैंने 10 क्वेश्चन तो आपको बता दिए जो कि हमने लगभग कवर किए थे, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो एक क्वेश्चन हमारे पास में है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू हाईलाइट होल कॉलम इन एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में होल कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो थे ये शॉर्ट की वाले ये सब PDF के अंदर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, देखो एक और क्वेश्चन आ गया आउटपुट डिवाइस का कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये वही वाला क्वेश्चन होगा जॉयस्टिक वाला, क्योंकि इसमें जॉयस्टिक के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसके अलावा यदि मैं देखूं तो लो लेवल लैंग्वेज का एक क्वेश्चन आपके पास में था, और एक क्वेश्चन ये था कि विच सॉफ्टवेयर वर्क फर्स्ट When a computer is start, तो देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जब बूट करते हैं उस समय पे कौन काम करता है, तो वो विच सॉफ्टवेयर वर्क फर्स्ट वेन द कंप्यूटर इज स्टार्ट, रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूं तो अगर आपके पास में यहाँ ऑप्शन होता कि कौन सबसे पहले काम करता है, तो रोम में कौन सबसे पहले काम कर सकता है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अगर रोम है तो रोम, नहीं तो कौन कौन काम करता है इसके साथ साथ में, मैंने आपको बताया था बायोस भी काम करता है
और पोस्ट भी काम करता है, बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ये सब स्टार्टिंग में काम करने वाले डिवाइसेज है, ठीक है। रोम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। बायोस ये चेक करता है कि इनपुट आउटपुट कनेक्ट है कि नहीं, ठीक है। ऐसा ही काम कौन भी करता है, पोस्ट भी करता है। तो यहां तक ये जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लगभग देख चुके हैं। इसलिए मेरे हिसाब से अगर यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आए हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी 11 टू 12 क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में पढ़े हैं डेफिनेटली। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने सेल्फ स्टडी करके भी किए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर के अंदर अगर आपने 11-12 क्वेश्चन यदि हमारे किए हुए भी कर दिए तो वो कम है, ठीक है। और अगर आप अच्छे क्वेश्चन करके आए हैं तो 20 में से मेरे हिसाब से अगर इतना एफर्ट अपना मिल करके है, तो मेरे हिसाब से 4-5 नंबर का आपका सेल्फ एफर्ट भी होना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके 16 से 17 क्वेश्चन आपको करके आने चाहिए थे, डेफिनेटली करके आने चाहिए थे। 16 तो एटलीस्ट करके आने चाहिए थे आपको यहाँ, ठीक है। तो कंप्यूटर में काफी कुछ था हमारे पास में जो कि हमने देखा भी था। थोड़ा और टाइम यदि मुझे मिलता तो मैं आपको और अच्छे से कंप्यूटर कराता, मैं खुद ही कीज भी कराता आपको, मैं सॉफ्टवेयर भी कराता, वायरसेस भी कराता, लेकिन टाइम की हमारे पास में कमी थी इसलिए हम नहीं कर पाए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी काफी हद तक कंप्यूटर हमने अच्छे से कवर किया। रीजनिंग आप लोगों की ठीक थी इसलिए रीजनिंग ज्यादा फोर्स नहीं करने के बावजूद भी आप अच्छे कर आए। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन मेंटोर की तरफ से आपको बताएं तो ओवरऑल यदि आप 85 प्लस करके आए हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो दिस वन इज अ गुड अटेम्प्ट। ये एक अच्छा अटेम्प्ट है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये एक अच्छा अटेम्प्ट नहीं है। डेफिनेटली अगर इतने क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ करके आए हो, मीन्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से पूरी बेस्ट विशेज है आपको कि आप लोग सेलेक्ट हों, ठीक है, और जल्दी से जल्दी FCI ज्वाइन करें, ठीक है, और अपने आने वाले टारगेट्स को पूरा करें। यहां तक के लिए आज इतना ही, ठीक है। अभी हम मिलते रहेंगे SBI क्लरिकल मीन्स के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप उस फेज पे हैं जहां पे आप काफी बच्चों को पीछे छोड़ चुके हैं। अब आपको जो अच्छे लेवल वाले बच्चे हैं उनसे अगर कॉम्पिटिशन करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे और अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटोर के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज्यादा एनर्जी के साथ आगे आने वाले पेपर्स पे फोकस कर सकें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।